तो ये है बहुत ही खूबसूरत नजारा चंपावत के, कौन सी जगह है बेटा? जूप, जूप। तो ये है जूप का नज़ारा, आप देख सकते हैं क्या मस्त पहाड़ और अभी उस पर बादल, फॉग जो भी है। ये है पूरा हाईवे। तो यहाँ पर मेरे साथ एक बच्चा है, इनका नाम है नितेश, जो कि अभी अपने मामा की कर रहे हैं साइकिल साफ। और वो जो डॉग बैठा है उसका नाम है गोली। आजा आजा गोली। गोली और नितेश मेरे साथ हैं और बहुत अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का। और सनराइज़ हो चुका है, सुबह के बज चुके हैं 7:45 और बहुत ब्यूटीफुल सनराइज़ हो चुका है, बहुत बढ़िया प्रॉपर सनराइज़। और यहाँ का व्यू तो खैर एक नंबर। सो ये है माल्टा का पेड़ और इस तरीके का व्यू। ये सब पेड़ों में भी लगे हैं माल्टे, अभी इसमें और लगेंगे, भर जाता है पूरा। वो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। तो ये है कमला जी, जिन्होंने मेरे को बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया, भट की चुड़कानी, हरी सब्जी, मैगी, मोमो, चाउमीन और अभी पता नहीं क्या बना रही है। क्या बना रहे हो? बस एक चाय और एक ये। और इनका इतना प्यारा सा ये किचन है, बहुत अच्छा लगता है देखो। शर्म आ रही क्यों? वहाँ है हमारी संतोषी और वो है दो गाय, एक अभी वो ब्याई है, 16-17 दिन हुए हैं। ये घर है, इस रूम में मैं रही, ये बहुत ही सुंदर। और जितना अच्छा घर है उतने ही प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर लोग हैं ये, है ना? यहाँ हम आग ताप रहे थे, ठीक है? अच्छा बाबा आग सेक रहे थे। ये जा रही नीचे, अभी चढ़ गई थी ये चढ़ गई थी यहाँ पर ऊपर से। सो आज मैं जाऊँगी टनकपुर, तो बहुत अच्छा यहाँ पे लगा, खाना पीना एकदम मस्त और एनवायरनमेंट तो मस्त है। सुबह सुबह यहाँ पे सनराइज हो जाता है और इस तरीके से पूरा ये है, ये घर है। और वो देखो वो फिर कहीं और चढ़ने के लिए जा रही है, अभी तक तो चढ़ी थी। तो कुछ ऑफिशियल काम था उनने कर दिया है और फ्यूल भी अभी कमी दिख रहा है यार, तो फ्यूल भी भरा लेती हूँ, थोड़ा काम थोड़ा सा और था। तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ से बर्फ गिर चुकी है पहाड़ों में, वो वाला जो व्यू आप देख रहे हैं, ये माल्टे लगे हैं यहाँ पर, दो प्यारी प्यारी गौ माता। तो वो जो पहाड़ है बहुत ब्यूटीफुल। लेट मुझे हो चुका है तो अभी मैं निकलती हूँ। और अब देखिए टाइम क्या हो रहा है, बज चुके हैं 1, तो मैं निकल चुकी हूँ चंपावत से। और ये जो व्यू आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत है हिल्स का, और इधर माल्टे और इधर हमारी गाय। तो चलिए फिर चलते हैं। बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप देख सकते हो मैंने अपर अपना ऐसे फिट कर रखा है हेलमेट के अंदर। और बस मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी लोकेशन पे और मिठाई ले ली है मैंने। चलिए फिर चलते हैं। तो अभी हम हैं बेल बाबा मंदिर में, तो दर्शन कीजिए भोलेनाथ जी का, काली माँ, दत्तात्रेय भगवान जी, दत्तात्रेय भगवान जी। कैसे हैं आप सब? अभी हम लोग आए हैं स्नैक्स में। आज के जो राइडर हैं वो सौरभ और मैं, है ना? ये पहले ही निकल के आ गया। हमारे आ गए छोले भटूरे, फाइनली हम लोग आज आ गए हैं। अभी खाते हैं। और अब ये प्लेटें ऐसी हो गई हैं, 4 प्लेट हम खा चुके हैं। भैया बिल बताइए। वो भैया अपना काम कर रहे हैं, ये
ये भी अपना काम कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ चाय पी रहे हैं। हाँ सनी, हम चाय पी रहे हैं रोड किनारे। हाँ, और पीछे की साइड नेचर व्यू भी है और रेस्टोरेंट का क्या नाम है देखिए, नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट। अभी निशा पांडे जी तो बहुत बिजी हैं, हम लोग बहुत धूप में हमारे बुरे हाल हो रहे हैं, तो थोड़ा हम चाय भी पीने आ गए हैं। टेस्ट कैसा है? लाजवाब, बेहतरीन। भैया से चैनल सब्सक्राइब कराओ पहले तो, और फिर बोलो भैया हमारे आपके चाय फेमस कर देते हैं हमारे ब्लॉग में। अभी सब्सक्राइबर नहीं है भैया मेरे ज़्यादा, एक टाइम ज़्यादा भी हो, आज ज़्यादा भी होंगे। ठीक है भैया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, निशा पांडे व्लॉग व्लॉग्स व्लॉग्स। तू क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है तू? क्या करना चाह रहा है? एडी का नाक ठंडी हो रखी है, एडी को ठंडा लग रहा ये बन। तो जैसा कि आज बन रहे भटकी चुड़कानी और चावल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, तो बहुत मजेदार लाजवाब ये खाना होने वाला है। और अभी वैसे कि रात को हमने खाना नहीं चाहिए था, बट अभी इट्स कितना बज रहा है आकांक्षा? 6:30 बज रहे हैं अभी, तो 6:30 ही बज रहा है, तो बनते बनते 7:30-8 हो जाएगा और हम खाएंगे भटकी चुड़कानी और भात। तो देखो हम कितना प्यार करते हैं यूट्यूब से, लोग वॉलपेपर भी यूट्यूब का लगा रखा है, तो यूट्यूब थोड़ा सब्सक्राइब करवा दो और लाइक भी करवा दो। तो अभी बन रहा है, क्या बन रहा है, भटकी चुड़कानी और चावल। फ्राई कर दी है, जैसे कि आप देख सकते हो ये फ्राई भी हो चुका है लोहे की कढ़ाई में। इसका जो जो प्रोटीन है या जो भी मिनरल्स हैं इसमें बढ़िया हो जाते हैं, ठीक है। और चावल भी वो बढ़ रहे हैं, और फिर बर्तन वर्तन है वो भी मैं धो लूंगी थोड़ी देर में। और अभी मैंने कैमरा मैन जो है उनको छीलने के लिए दिया था प्याज व्याज, तो क्योंकि यार मेरा ना एक्चुअली ट्राईपॉड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया जैसे आप देख सकते हो, तो अभी वही थोड़ी हेल्प करा रहा है वीडियो शूट करने के लिए। तो चलिए फिर खाते हैं पीते हैं पानी। और क्या क्या बनता? पराठा भी बना? पराठा नहीं बन रहा, बस भट्टी चुड़कानी और चावल। बोल तो पराठा बनाएगी, पराठे भी बनाओ यार, पराठे बनाओ। पराठा नहीं बनेगा, बस भटके चुड़कानी और चावल। आपका क्या टेक है इस बारे में, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, अच्छा पूछ हिला रहा है, ये भी हाँ कह रहा है भाई, ये हाँ कह रहा है। पूड़ी खाएंगे आंटी? आंटी पूड़ी बनाऊं? पूड़ी, पूड़ी भी क्या टेक है? कुछ तो टेक होगा तेरा, ते बता क्या टेक है। कह रहा हूं नहीं, मैं अपनी बॉल वगैरह नहीं दूंगा। आंटी पूड़ी खाओगे? तो चलिए फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। फिर भी अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो रेसिपी है ना बहुत सॉलिड होने वाली है, मैं भी शेयर करूंगी रेसिपी फ्राई करके, बस भट इसके बाद कैसे क्या करना मैं सब बताऊंगी। थोड़ा नए स्टाइल से वीडियो बनाई अपने आप को दिखा सकते हैं आप, हमारे सुपर डुपर हीरो Never wanna play happy families with you, but I like having you around.